जुनेद अली शाह ने ये वीडियो भेजा है, बस यही एक एंगल था, दोबारा दिखा दें इसको, अगर साइड ऑन नहीं है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देख रहे हैं, साइड ऑन है, चलिए ये देख लीजिए जनाब, ये एक दफा नाइस जंप, गुड जंप, गुड आयाम एक्शन, आई थिंक विकी इफ ही यूजेस हिज फ्रंट आर्म लॉट लिटिल मोर एंड फॉलो थ्रू ही कैन जनरेट बिट ऑफ पेस. Yeah, he's got to close his hip also. Because hip band karega, shoulder band karega. Ye aapko batana padega. Hip kis tarah band khol ke, you'll have to go do this over there, please. Please, because if yeah, hamare ek se kurte pajama mein karwana chahiye. Ye ek dafa dobara dekh lein Vakar and then you can comment. You can take your coat off as yeah. Or first. Ye dekhe, ye nice jump. Thoda paon inka jo hai wo gali ki taraf jata hai agla. कुछ उसको चेंज करने की जरूरत है, ये भी बड़ी सही बात है कि पहले मेक श्योर करने की कुछ उसको चेंज करने की जरूरत है. जी बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग में तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. आई एम नॉट गोना डेमोंस्ट्रेट कि आपका क्या करें, बट आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि बॉलिंग में होता क्या है. एक तो ऑफ कोर्स योर रन अप इज की, आप अगर अच्छा दौड़ के रिदम से आ रहे हैं दैट इज़ गोना रियली हेल्प यू. एंड देन ऑफ कोर्स सेकंड इज जस्ट अ टेक ऑफ, जब आप अपने आप को उठाते हो ऊपर. सो टेक ऑफ में क्या होता है, बेसिकली बॉलिंग इज लाइक आइदर थ्रोइंग ए जेवलिन और यू से गुलेल. मैं गुलेल की एग्जाम्पल बहुत देता हूँ कि इट्स लाइक अ गुलेल. आप जितनी पेस से जाते हो एंड देन यू हैव टू रियली कम बैक, आपको पीछे उठना पड़ता है. आपका जो फ्रंट है, अपना जो ऊपर का पोर्शन है, दिस हैज़ टू कम बिहाइंड, लेग्स पहले जाती हैं. ठीक है, सम टाइम हमारे बॉलर्स क्या करते हैं, लेग्स ब्लेड आती हैं. कुछ कहना पड़ा, ओके. सो बेसिकली यू रन इन हार्ड, देन यू लिफ्ट योर सेल्फ अप एंड यू टेक योर टॉप बैक, जैसे गुलेल की तरह खींचते हो एंड देन यू लेट गो. ठीक है ना, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं योर टॉप शोल्डर. अगर ये जितने बंद रहेंगे, इफ़ यू आर इन दिस पोजिशन इट्स ब्रिलियंट. ठीक है ना, इसलिए क्योंकि आप फिर यू बी एबल टू जस्ट मूव लाइक दैट. जो मैंने वीडियो देखी है उसमें जो नज़र आया है, बेसिकली उसकी हिप इज नॉट टोटली साइडवेज, इट्स मोर लाइक हेयर. सो जब डिलीवर करें तो खुले हिप, वो पहले से खुली हुई है, सो इट हैज़ टू बी साइडवेज. साइडवेज होएगी तो देन ही विल बी एबल टू गेट ओवर द टॉप ऑफ दिस साइड ऑफ द ओके. ऊपर से जाएगा एंड देन ही विल गेट मोर पेस एंड मोर बाउंस आउट ऑफ इट. फ्रंट ऑन, नो नो, फ्रंट ऑन इज लिटिल बिट डिफरेंट. वो मैं कह रहा हूं, देयर आर टू और थ्री डिफरेंट वेज ऑफ बॉलिंग. इनके लिए आप क्या कह रहे हैं? फ्रंट ऑन जो होते हैं ना, जो फ्रंट ऑन बॉलर होते हैं, वो बेसिकली इज मोर लाइक अ शोल्डर बॉलर्स. ठीक है, दे जनरेट पावर फ्रॉम द शोल्डर. साइडवेज बॉलर जितने भी होते हैं, दे जनरेट पावर फ्रॉम देयर हिप. It all comes from hamstring, hip, right. back, and then all the way to their fingers. So normally, आप देखेंगे जितने sideways वाले bowler होंगे, they'll be a little bit quicker. So उनकी pace ज़्यादा होगी because they get in a very good position to. ठीक है, अच्छा ये एक और वीडियो है, वकार वहीं रहेगा, इनको भी आप जरा गाइड करें. जी जी, जो वीडियो हमने देखी है उसे उसका स्पेसिफिक बता दें कि उसको क्या चीज करनी है. ओके, लेट्स सी द वीडियो अगेन. जो पिछला वीडियो था दोबारा दिखा दें, जुनैद अली शाह वाला, वकार भी उसमें जरा कमेंट. ये जुनैद अली शाह, ये देखिए, इट्स गॉट अ मिक्स एक्शन. देखें ना, ये हिप थोड़ी सी बंद है, वंस हिज फुट विल लैंड, हिप इज लिटिल बिट गोइंग टुवर्ड थर्ड स्लिप फोर्थ स्लिप. ठीक है ना, अगर ये हिप बंद होगी at the time, because what is happening is upar ke shoulders dekhe, they are also run up through, hold on, hold on, they also sideways, there you go, that way his, ye Vakar bhai ka dikhaye yahan pe, wo action karke batane. Ji okay, ho ye raha hai ki he is in this position, he is in this position, his hip is also open, his shoulders are also open, they're directing toward, not toward the batsman but toward more like a third slip. So what is going to happen is he's going to ye shoulder jaldi drop hona hai, ये जल्दी ड्रॉप होगा, इससे ये डिले हो जाएगा काम. ठीक है, देन ही विल नॉट बी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट गेटिंग इट स्पेस राइट. सो इफ ही कैन रियली गो साइडवेज अ लिटिल बिट, जितना साइडवेज होके एंड लिफ्ट दिस शोल्डर अप, सो वंस ही लिफ्ट दिस शोल्डर अप एंड देन ही कैन कम एंड टक दिस शोल्डर इनटू एल्बो इनटू योर रिब्स एंड जस्ट गेट मोर पेस आउट. ओके, सो स्टे राइट देयर वकार, हिज अनदर वीडियो, मलिक असगर का ये वीडियो है, इनको देख लीजिए आप और फिर इसके ऊपर आप हम इनको भी गाइड कर सकते हैं, या वीडियो आपकी स्क्रीन पर. ये रे मलिक असगर, ये तो मैं ही लग रहा हूँ 1985-84 में.
हम लोग इसी तरीके फसलों में खेला करते थे. रिमाइंडेड मी ऑफ नैतिक पिवियन जी फसलें ची बैठे हैं. ये देखे ना, सी दैट इज लिफ्टिंग हिमसेल्फ अप. यस सी ही स्टिल नॉट रियली टांगे पहले हैं बट ही स्टिल कैन गो बैक अ लिटिल बिट मोर. हिज एक्शन इज बिट बेटर देन देयर. रिजेंबल्स टू मोहम्मद अकरम. नहीं, his action resembles. Let's see it again. एक दो बार फिर दिखाइए. हाँ, little bit. दोबारा देखिए. मोहम्मद अकरम. मोहम्मद अकरम. Run up also. Run up and action is more like. He's got a very good run up. Little bit, yeah. Pretty rhythmic. मलिक अजगर थोड़ा सा ये थोड़ा slow हो जाता है. ये. Yeah, he's also. See that from this angle, you can tell his shoulders, the top shoulders are open. Right. ठीक है ना. So to get a maximum pace, कि 145-140 होना है. So he has to really close his shoulders. दोबारा इनको जरा बता देंगे उन्होंने क्या करना है. You got to close your shoulders. जितना shoulders close करेंगे, hip close करेंगे, you'll be able to manage more pace out of the ball. Right on. Okay.